हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाने जा रही हूँ मैंगो रबड़ी कुल्फी। बहुत ही टेस्टी होती है, बनाना भी इजी है। तो आइए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ग्लास दूध लिया है। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक ग्लास दूध लिया है और इसमें यहाँ पे जो मिल्क पाउडर है, ये जो हमने लिया है मिल्क पाउडर, मैंने यहाँ पे दो बड़े चम्मच लिया है। तो उसमें थोड़ा सा पहले दूध डाल दूंगी और जो हमने दूध डाला है उसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि लम्स ना पड़े। ये चीज ध्यान रखेगा, ठंडे दूध में ही डालेगा, वरना अगर गर्म में डालेंगे तो लम्स पड़ जाएंगे, वो गाठे सी हो जाएंगी, तो वो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये अच्छे से फिट गया है, अच्छे से फेंट लिया है मैंने, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे मैंने गैस में एक बर्तन रखा हुआ है, इसमें मैं ये दूध डाल दूंगी। ये आधा ग्लास दूध मैंने लिया है क्योंकि मैं एक आम में बना रही हूँ। आप दूध ज्यादा कर सकते हैं अगर आप आम ज्यादा लेंगे तो। और यहाँ पे मैंने दो चम्मच चीनी ली है, चीनी अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। गैस यहाँ पे ऑन कर देंगे और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर थोड़ा सा, और ये जो हमने मिल्क पाउडर बनाया है इसमें ये मिल्क डाल के, ये थोड़ा गाढ़ा करने के लिए होता है। तो रबड़ी बनाने के लिए हमें इसको डालना पड़ेगा, तभी जो हमारी रबड़ी है वो गाढ़ी बनेगी थोड़ा सा। और ये हम सिम पे रख देंगे, गैस का वो फ्लेम सिम कर दूंगी मैं। और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, जो सबसे मेन है वो है मैंगो को कट करना। तो सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कट करते हैं। ये देखिएगा इस तरीके से ये निकाल लिया। अब सबसे मेन चीज जो हमें करनी है, पहले एक कट और लगाते हैं ताकि जो इस तरीके से ये चाकू अंदर डालिएगा जहां पे इसका सीट है, मीन्स जो ये गुठली है यहां तक पूरा अंदर, इसको पहले अच्छे से इस तरीके से कट करिएगा हमें, क्योंकि अंदर ये जो रबड़ी हम बना रहे हैं वो अंदर भरनी है। तो ये सबसे मेन प्रोसेस है इसमें कि गुठली हम कैसे अच्छे से निकाल ले। तो ये पूरा अंदर डाल के नीचे प्लेट जरूर रखिएगा क्योंकि नीचे जो है आम बहुत गिरेगा इसमें से। पूरा नीचे से पकड़ के इस तरीके से करना है कि गुठली जो है वो थोड़ा सा बाहर को आ जाए आपकी। यही प्रोसेस सबसे मेन होती है इसमें, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है लेकिन हो जाएगा। और यकीन मानिएगा इसको जब आप खाएंगे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। ये थोड़ा सा हिलाते रहिए इस तरह, ये देखिए होने वाला, ये देखिए, ये इस तरीके से ऐसे अंदर पूरा बन जाना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इसमें भी जितना भी पल्प ये बचा हुआ है, थोड़ा बहुत जो लगा हुआ है, मैं इसी में डाल दूंगी। तो सबसे पहले मैं उसको इस तरीके से निकाल लेती हूँ और इसी जो हमने बनाया है पूरा जगह करी है उसी में इसको हम डाल देंगे सारे आम को। तो ये मैं पूरा निकाल लेती हूँ। तो इसको इस तरीके से मैंने एक कप में रख दिया है और अब हम जो हमारा ये बचा हुआ पल्प है ये भी इसी में डाल देते हैं। और हमारी एक तरफ रबड़ी बन के अभी रेडी हो जाएगी, तो वो रबड़ी भी रेडी हो जाती है, तब तक ये जो पल्प है ये वापस इसी में डाल देंगे। ये सारा मैं इसी में डाल दिया है। और अब यहाँ पे हम रबड़ी देख लेते हैं हमारी रबड़ी। अभी जो है थोड़ा सा दूध जो है अभी और गाढ़ा करना है हमको, थोड़ा सा अभी ये 5 मिनट में और पकाऊंगी इसको, उसके बाद गैस बंद कर दूंगी और जब रबड़ी ठंडी हो जाएगी तब मैं उसमें फिल करूंगी इसको। गर्म रबड़ी फिल मत करिएगा इसको, ठंडी होने के बाद हमें फिल करना है। तो 5 मिनट अभी और उबाल आने दें। तो ये रबड़ी हमारी अच्छी से गाढ़ी हो गई है, इसको मैंने गैस यहाँ पे बंद कर दिया और उसमें मैं डाल दूंगी बादाम। आप चाहे तो जो भी नट्स वो यूज कर सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट चाहे वो ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बादाम डाल दिया है। और इसको ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद फिर हम इसको उसमें भरेंगे आम में। तो अभी इसको पहले ठंडा होने। तो ये रबड़ी हमारी ठंडी हो गई है, इसको अब हम देखिए, जब आप ये कट करेंगे तो ध्यान रखिएगा उसको कप में रख लीजिएगा, अगर बाई चांस इसमें कट लगे भी, क्योंकि जब हम इसको इसका सीड निकालते हैं तो कट लग सकता है, तो उसके लिए कप में रख दीजिएगा, जो अगर बाई चांस निकलेगा भी तो वो इसमें आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जो कुल्फी है, ये हमने रबड़ी जो बना ली है वो इसमें डालते हैं, इसको इस तरीके से इसमें हम फिल कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें जो अंदर वो है उसको चलाएंगे इस तरीके से हल्का सा ये। अब इसमें अगर थोड़ा सा हम और भरना चाहें, थोड़ा सा मैं और भरूंगी, ज्यादा इसमें नहीं आएगा ये। और यहाँ पे ये हमारा भर चुका है अच्छे से, ये देख सकते हैं आप कि देखिएगा पूरा हमने इसमें अच्छे से फिल कर दिया है। तो ये पूरा फुल कर लिया है। अब मैं एक चीज आपको बताना भूल गई थी, जो हमने ऊपर का ये कट करा था उसको आपको रखना है, उसको फेंकना नहीं है, इसी से हम इसको ऊपर का ढक देंगे अच्छे से ये पूरा।
इस तरीके से, और ये ढकने के बाद इसको ओवरनाइट फ्रीजर में रख दे। ये ध्यान रखिएगा फ्रीजर में रखना है आपको, क्योंकि वो सबको पता ही है आइसक्रीम जमानी तो फ्रीजर में रखना है। मैं पूरा रात इसको फ्रिज में रख रही हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं इसको निकालूंगी, उसके बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ फिर हमें आगे कैसे प्रोसेस करना है इसमें। तो ये हमारा बन गया है, ढक्कन लगा दिया है, अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में सॉरी। तो ये देखिएगा ओवरनाइट रखने के बाद इसको मैं निकाल लेती हूँ फ्रीजर से, मैंने निकाल लिया है, ये देखने अभी हमने फ्रिजर से निकाला है तो काफी टाइट होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका ऊपर का कवर हम निकालेंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से धीरे धीरे इसको छिलेंगे। थोड़ा टाइट होगा तो उसको इस तरीके से पूरा निकालेगा, आप चाहे तो पीलर से भी कर सकते हैं, मैं चाकू से ही कर रही हूं। तो ये पूरा निकाल लेते हैं हम, तो ये देखिएगा पूरा ही निकाल लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा टाइट उसे इसको कट करेंगे, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरीके से यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइट से इसको करिएगा, क्योंकि जमा हुए हैं तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये इस तरीके से इसके पीसेस कट करेंगे हम पूरा, ये आप देख सकते हो, देखिए ये लास्ट वाला जो है इसको इस तरीके। तो ये देखिएगा ये मेरी मैंगो रबड़ी कुल्फी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको जरूर ट्राई करेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।